किसी ने मिस्टर लॉरेन के घर से एक बेशकीमती हीरा चुरा लिया। पुलिस को एक कुख्यात चोर जैक पर शक है। एक पुलिस अधिकारी फौरन उसके घर गया, लेकिन जब जैक को पता चलता है कि उसके पास तलाशी का वारंट नहीं है तो वह उसे अंदर नहीं आने देता है। एक घंटे के बाद पुलिस आती है, वो भी वारंट के साथ। वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। वे वहां से जाने वाले होते हैं कि अचानक एक पुलिस अधिकारी चिल्लाता है, मैं जानता हूँ कि हीरा कहाँ है, क्या आपको भी इसके बारे में पता चला? जब पुलिस पहले जैक के पास आई थी तो उसके बाल काफी छोटे थे, वो जरूर विग पहने हुए है और हीरे उसके नीचे छुपे हुए हैं। मंगलवार दोपहर को ही एक आदमी पुलिस स्टेशन आया। उसने दावा किया कि उसकी कार चोरी हो गई है। जांच अधिकारी ब्राउन ने उससे घटना वाली जगह दिखाने को कहा। वे एक सिनेमाघर पहुंचे। उस आदमी ने कहा कि एक दिन पहले वो और उसकी पत्नी एक फिल्म देखने आए थे। उन्होंने पार्किंग में अपनी कार छोड़ी थी, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो कार गायब थी। कुछ देर वहां पड़ताल करने के बाद जांच अधिकारी को समझ में आ गया कि अपराधी कौन है। क्या आपको पता चला? कोई चोरी हुई नहीं, वो आदमी बीमा का पैसा लेने के लिए झूठ बोल रहा है। देखो, सोमवार को कोई फिल्म है ही नहीं। मारिया वॉकर एक अमीर कारोबारी महिला है जिसके पास प्राचीन कलाकृतियां हैं। एक दिन उन्होंने बेशकीमती चीनी कला की मूर्ति खरीदी। मारिया ने उसे अपने दफ्तर के लॉकर में रख दिया और घर चली गई, लेकिन अगली सुबह मूर्ति गायब थी। पुलिस को तीनों लोगों पर शक है। तीनों मिस वॉकर के सहयोगी हैं। जांच अधिकारी ने इन तीनों से पूछा कि क्या उन्होंने मूर्ति निकाली लॉकर से। बेवरली ने कहा कि वो तो सोमवार से दफ्तर नहीं आए। रॉल्फ ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सेफ को कैसे खोलते हैं, वैसे भी मैं चीनी कला में कोई रुचि नहीं रखता। वहीं विंसेंट ने कहा कि मिस वॉकर के जाने के बाद मैं दफ्तर गया था, लेकिन मैंने बस कुछ जरूरी कागजात ही लिए थे। चोर कौन है? ये रॉल्फ है, नहीं तो उसे कैसे पता चला कि मूर्ति चीनी कला की थी? एक आदमी टोपी पहने अपने भंडारा से ढके चेहरे पर धूप का चश्मा लगाए एक बैंक को लूटता है। पुलिस को तीन लोगों पर शक है। उनकी तरफ देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि अपराधी कौन है। आमतौर पर लोग भंडारा को अपने कानों से नीचे पहनते हैं, लेकिन इस मामले में लुटेरा भंडारा कानों को ढके हुए, शायद कुछ ऐसा छुपाने के लिए जो उसे अन्य लोगों से अलग पहचान देता है। अपराधी जरूर वही आदमी है जो बड़ी बालियां पहने हुए हैं। जैस हैरिस एक पायलट था। एक बार उड़ान के दौरान आपात स्थिति आ गई। जैस को हाईवे पर अपना जहाज उतारना पड़ा। सौभाग्य से वो एक पेशेवर था और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान जैस के सिर पर चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली गई। जब वो जहाज से बाहर निकला तो दो महिलाएं उसकी तरफ दौड़ती हुई आईं। दोनों ने दावा किया कि वो उनका पति है। क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सी महिला सच बोल रही है? बाई तरफ वाली महिला एक रोबोट है। देखो, एक यूएसबी पोर्ट उसकी गर्दन पर लगा है। मैरी एक कॉलेज में अध्यापिका थी। नए सेशन की शुरुआत थी और तीन नए छात्रों ने प्रवेश लिया था। जब मैरी ने देखा तो वो तुरंत जान गई कि उनमें से एक के बारे में कुछ गड़बड़ है। कौन? बीच वाला लड़का, उसकी तो परछाई नहीं थी। लोगन एक छोटे क्रूज जहाज पर सुरक्षा अधिकारी के तौर पर काम करता है। एक दिन तेज तूफान के दौरान उसने मिस्टर लुइस को डेक पर लेटा हुआ पाया। जब वह होश में आए तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनके सिर पर मारा और उनका पर्स ले गया। लोगन को तीन लोगों पर शक है, वो उनको कैबिन में ले गया। लिंडा ने उसे कहा कि वो समुद्र की यात्रा के दौरान बेचैनी महसूस कर रहा था, वो तो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। डेनिस ने कहा कि वो अपने स्मार्टफोन पर फिल्म देख रही थी। वहीं फिलिप बोला कि वो अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा था। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि लुइस को किसने चोट पहुंचाई। क्या आप जानते हैं? ये फ्लिप था। उसकी चिट्ठी को देखो, उसकी लिखावट कितनी साफ है, लेकिन तूफान के दौरान इतने अच्छे तरीके से लिखना नामुमकिन है। कायला कारोबारी यात्रा पर गई। उसे अपने बॉयफ्रेंड को अपनी योजना के बारे में बताने का समय नहीं मिला, तो उसने कुछ संकेतों के साथ उसके लिए एक पर्ची लिखकर छोड़ दी। उसमें उस लड़की ने लिखा, मैं उस शहर जा रही हूँ जो चिकन का 3/7 है।
कैट का 2/3 है और गोट का 1/2 है। मैं एक सप्ताह यही रहूंगी, मुझसे मिलने आ जाओ। क्या आप जानते हैं कायला के बॉयफ्रेंड को कहाँ जाना है? शिकागो जाना होगा। हाँ, इन लड़कों को ध्यान से देखें, क्या आप बता सकते हैं किसने ग्राफिटी बनाई है? ये बाई तरफ वाला लड़का, उसकी हाउडी पर थोड़ा स्प्रे पेंट लगा है। एलन एक छोटी सी सड़क पर गाड़ी चला रहा था जब उसने देखा कि किसी की कार पेड़ से टकरा गई है। एक क्षण के बाद उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं काफी धीमे चल रहा था कि अचानक एक ट्रक मुझे कट मारते हुए निकल गया। मैंने अपनी कार का नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गया। एलन ने उसे नजदीकी शहर के पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट दी। उन्होंने पाया ट्रक चालक वाकई काफी तेज था। वह ठीक थाने के दरवाजे के पास था, लेकिन उस ट्रक चालक ने छोटी कार को कट मारे जाने की बात से इनकार किया। उसने दावा किया कि वह दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जा रहा था। अचानक एलन को पता चल गया कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपने इसका पता लगा लिया? टायरों के निशान देखें, साफ दिख रहा है कि ट्रक के टायरों के निशान कारों के निशान के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ट्रक छोटी कार को कट मार कर नहीं गया होगा और उस छोटी कार का चालक झूठ बोल रहा है। एक होटल में कई पुलिस वालों को बुलाया गया। उसका एक कर्मचारी फर्श पर बेहोश मिला। पड़ताल करने के लिए पुलिस ने कैमरों की जांच की थी। उन्हें अपराधी नहीं दिखा, लेकिन उन्हें 3 लोगों पर शक था। वो सभी होटल के मेहमान थे। सारा ने कहा, मैंने कुछ शोर सुना लेकिन मैं डर गई थी, इसलिए अपने कमरे में ही रही। जेम्स ने पुलिस को बताया कि वो बाहर था। मैं घूमने फिरने के लिए टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं डेमियन ने कहा कि वह घटना के बाद घर पर सो रहा था। कौन झूठ बोल रहा है? डेमियन, वो होटल में मेहमान है तो वो घर पर कैसे हो सकता है, वो भी सोता हुआ। बेवली रसोई में रात का खाना बना रही थी कि उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। वो लिविंग रूम में गई और खिड़की टूटी हुई देखी। किसी ने पत्थर फेंका था जो कमरे के बीच में पड़ा था। बेवली ने पुलिस को फोन किया, लेकिन वे नहीं पता लगा सकी कि अपराधी कौन थे। अगले दिन जब बेवली काम से घर आई तो उसने अपना पायदान पर कुछ देखा। ये एक मैसेज था कि विलियमसन दोषी है। विलियमसन बेवली के पड़ोसियों का उपनाम था। उस परिवार में 3 किशोर थे, मार्क, रॉय और नताली। किसने खिड़की तोड़ी? ये मार्क था। मैसेज पर लिखा था, क्वेश्चन मार्क विलियमसन। ब्रूस एक बड़े स्टोर का मालिक था जहां महंगे डिजाइनर आइटम बेचे जाते थे। हाल ही में वहां कई चोरी हो चुकी हैं। उसने पुलिस में जासूसी का काम कर रहे अपने दोस्त गैब्रियल से पूछा कि ये क्या हो रहा है। गैब्रियल ने स्टोर में 2 घंटे बिताए। जब वो वहां से निकला तो उसे पता चल चुका था कि चोर कौन है और इन अपराधों का दोषी कौन था। पुलिस का जासूसी चोर है। उसने आसानी से महंगे धूप के चश्मे चुरा लिए, ये साबित करने के लिए कि दुकान की सुरक्षा काफी खराब है। काफी सारी चोरियों की वजह यही थी। इनमें से एक युवती के पास कुत्ता है, क्या बता सकते हैं कौन सी वाली? बाई तरफ की लड़की, उसके कुत्ते ने उसके जूते फाड़ दिए। जब एमी ने ऑफिस में एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी कलीग एमा बहुत परेशान थी। अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन पहले ही दिन किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। सिर्फ कंपनी में काम करने वाले ही ऑफिस के अंदर जा सकते थे। एमी ने जांच शुरू की। आईटी में काम करने वाली जयरा ने कहा कि किसी का कंप्यूटर ठीक कर रही थी वो। सेक्रेटरी जोआना ने बताया कि वो ग्राहकों के साथ फोन पर बात कर रही थी। सेल्स मैनेजर जेम्स ने कहा, मैं 3 घंटे की लंबी बैठक में था, मैं थक गया हूं। एमी को तुरंत पता चल गया कि पर्स किसने लिया है। क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? ये जेम्स है। दिन का काम अभी शुरू हुआ है, वो कैसे इतनी लंबी मीटिंग में हो सकता है? 2 शहर पास पास हैं। एक शहर में वे लोग रहते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और दूसरे शहर में हमेशा झूठ बोलने वाले। इन शहरों के लोग अक्सर एक दूसरे के आते जाते हैं।
आप किस शहर में है ये जानने के लिए आपको उन लोगों से क्या पूछना चाहिए? उनसे पूछें क्या आप यहाँ मेहमान हैं? अगर वे हाँ कहते हैं तो आप झूठों के शहर में, अगर वे कहते नहीं तो आप ईमानदार लोगों के शहर में। जब बारिश आती है तो बिल्ली या तो कमरे में होती है या बेसमेंट में। जब बिल्ली कमरे में होती है तो चूहा बिल में घुस जाता है और फ्रिज में पेस्ट्री। जब पेस्ट्री मेज पर होती है तो बिल्ली बेसमेंट में होती है और चूहा कमरे में। अब इस वक्त बारिश हो रही है और पेस्ट्री मेज पर बिल्ली और चूहा कहाँ पर है? बिल्ली दो जगह पर हो सकती है, या तो कमरे में या बेसमेंट में। लेकिन इस समय बिल्ली कमरे में नहीं हो सकती क्योंकि पेस्ट्री फ्रिज में नहीं बल्कि टेबल पर है। इसका मतलब हुआ कि बिल्ली बेसमेंट में है क्योंकि पेस्ट्री टेबल पर है, और बिल्ली बेसमेंट में तो चूहा जरूर कमरे में होगा। डोरेस काम करने के बाद घर जा रही थी। एक अंधेरी गली से गुजरते हुए उसे एक तेज चीख सुनाई थी। वो उसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ी। कोई चीख रहा था, मेरी मदद करो, मदद करो। लेकिन जैसे ही टूरिस्ट ने गली को देखा, उसने फौरन पुलिस को फोन किया और वहां से भाग निकली। क्यों? एक जाल था। गली में दो तरह के पैरों के निशान जा रहे थे, लेकिन पैरों का कोई निशान बाहर नहीं आ रहा था।